दुर्ग के दुर्गा मंदिर के पीछे अवैध रूप से गांजा बेच रहे आरोपी ताराचंद यादव को दुर्ग पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिसके पास से 2 किलो 990 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दुर्ग में मादक पदार्थों की अवैध कारोबारी, तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी मोहन नगर के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर दुर्गा मंदिर के पीछे विजयनगर दुर्ग में अवैध रूप से गांजा बिक्री कर रहे ताराचंद यादव को धर दबोचा। पहले आरोपी पुलिस को देख भागने लगा, जैसे ही घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। इस दौरान आरोपी ताराचंद यादव, जो की महासमुंद निवासी है, इसकी तलाशी व पूछताछ से आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बोरी में कुल 2 किलो 990 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज दिनांक 13/5/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति विजयनगर दुर्गा मंदिर के पीछे में अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल मोहन नगर थाने की टीम के द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई और वहाँ पर जो है एक व्यक्ति को रंगे हाथों गांजे के साथ पकड़ा गया है। उस व्यक्ति का नाम ताराचंद यादव, ये रहने वाला निवासी ग्राम तेलीबांधा, जिला महासमुंद का है और इसके कब्जे से 2 किलो 990 ग्राम गांजा और 750 रुपये नकदी रकम बरामद हुई है। गांजा की अनुमानित कीमत 30,000 रुपये करीब है और इसके खिलाफ NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।